मानना पड़ेगा मिस्टर गगन, क्या शानदार कॉलेज बनवाया आपने। सर, हमारा तो एक ही मोटो है, क्वालिटी और मॉडर्निटी। जरा सोचिए, अगर ये कॉलेज स्टैंडर्ड का बनाया है मैंने, तो आपका होटल किस स्टैंडर्ड का बनेगा? जी सर, कई सालों का एक्सपीरियंस है मिस्टर गगन को, होटल्स और रिसोर्ट तो इनकी स्पेशलिटी है। ठीक है, काम कब से शुरू कर सकते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के एक हफ्ते के अंदर ही आपका काम शुरू हो जाएगा। Okay, then, let's do it. सर, मैं 3 दिनों के लिए कुल्लू मनाली जा रहा हूँ, वहाँ से लौटते ही सारे डील्स पर साइन कर लेंगे। Okay, Mr. Gagan. Have a nice journey. Thank you, sir. चलिए शर्मा जी। Bye, sir. Bye. See you. Bye. My God. Help! Help! कोई है? बचाओ! कहिए गगन साहब, क्या कहना है आपको? नहीं, बचाओ मुझे! Tell me students, जब कोई इंसान इलेक्ट्रोक्यूट होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सर, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सर, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। उसकी स्किन काली पड़ जाती है। सर, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। खोलो दरवाजा, खोलो, बचाओ! स्किन जलकर काली पड़ जाती है। सर, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सर, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। उसकी स्किन जलकर काली पड़ जाती है। सर, उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सर, उसकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। उसकी स्किन जलकर काली पड़ जाती है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, और बताओ। खोलो दरवाजा, खोलो। कब तक भागते रहोगे मिस्टर गगन? अब तुम्हारे आराम करने का समय आ गया है। नहीं, नहीं, हाय मीता, व्हाट्स अप? फिलहाल तो ये सीलिंग है, और भगवान करे ये आज के आज मेरे सर पर गिर जाए। ओफो, जब देखो इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती हो, अब क्या हुआ? अब तुझे क्या बताऊँ यार, तू तो मेरी सिचुएशन जानती है ना। मेरा बस चले तो आज के आज मैं ये नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं कुछ कर। या आई अंडरस्टैंड। अब कैसे हैं अंकल और आंटी? पापा तो बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, और मम्मी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऊपर से ये दवाई और ट्रीटमेंट के बिल्स, बस यही एक रीजन है जिसके वजह से आज भी मैं काम पर आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आर यू श्योर कि यही रीजन है? मतलब
ओ प्लीज अब इतनी भोली मत बनो। ऑफिस की सारी लड़कियां अपने अपने अमन सर पे फिदा है, पर उनकी नजर तुमसे हटे तो शायद किसी का नंबर लगे। व्हाट नॉनसेंस, वी आर जस्ट प्रोफेशनल्स। और मुझे तो लगता है उन्हें शायद मेरा नाम याद भी नहीं होगा। मीता मैम, आपको अमन सर ने अपने केबिन में बुलाया है। हैव फन मीता मैडम। जस्ट शट अप। मे आई कम इन सर? ओ मीता, या प्लीज कम इन, कम इन, बैठो ना, हैव अ सीट। या मीता, आपने मुझे बुलाया था? हाँ मीता, एक्चुअली मैं पूछना चाहता था कि तुम यू आर हैप्पी इन द ऑफिस ना, आई मीन यू आर कंफर्टेबल ना? हाँ बिल्कुल, क्यों? नहीं वो मैं बहुत दिन से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था कि तुम काफी काफी उदास रहती हो, काफी गुमसुम रहती हो, तो सोचा कि तुमसे पूछ लूं, इज एवरीथिंग ओके? इसका ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली मैं अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन घर पे हालात ही कुछ ऐसे है कि मुझे अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी और यहाँ पे जॉब ज्वाइन करना पड़ा। क्या, इतनी सी बात? अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये प्रॉब्लम तो मैं तुम्हारी चुटकी बजा के सॉल्व कर देता। Why don't you join my night college? तुम night college जाते हो? हाँ actually ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं इसके बारे में, but office के बाद मैं अपने courses complete करने के लिए जाता हूँ। अभी भी join किया in fact, you know, अब ज़्यादा paperwork नहीं होता है तो आसानी से manage कर लेता हूँ। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारी admission आज ही करवा देता हूँ। What say? सच में? Easily हो जाएगी मीता। Thank you so much अमन। It's okay, welcome. Actually, you know what? Pleasure is all mine. मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ साथ मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा selfish हूँ। वो क्या है, ऑफिस के बाद हम दोनों ज्यादा वक्त बिता पाएंगे ना साथ में। चलिए मैडम, चलिए। अमन, मैंने ना एक्चुअली इस कॉलेज के बारे में थोड़ी पूछताछ की है। हाँ तो? किसी को कुछ नहीं पता है। अरे मीता, क्या है ना कि ये इंस्टीट्यूट काफी छोटा है और यहाँ पे पढ़ाने वाले भी सिर्फ राकेश सर ही हैं, इसलिए शायद ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। पर एक बात है ना, यहाँ का स्टैंडर्ड एंड यहाँ की स्टडीज, इट्स ऑसम, आई एम टेलिंग यू ना। अरे मीता, जस्ट रिलैक्स। आई नो कि तुम थोड़ी नर्वस हो, घबराई हुई हो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हमारे जो राकेश सर है ना, इज अ सुपर्ब मैन। तुम्हारी जो एडमिशन है ना, चुटकी में हो जाएगी, आज की आज। ऐसी बात नहीं है अमन, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ। आई मीन पूरे शहर में इतनी तेज गर्मी और यहाँ कितनी ठंडी लग रही है। ठंडी? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या? नहीं, तो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। यहाँ की दीवारों की कंस्ट्रक्शन येलो लैम्पस्टोन से की गई है, जो कि है नेचुरल कूलिंग सब्सटेंस। अगर आप यहाँ के एयर कन्वेक्शन मूवमेंट्स और थर्मल अर्थ कपलिंग को माइंड में रखेंगे तो आप जान जाएंगे यहाँ पर जो कूलिंग प्रोसेस है उसकी वजह क्या है। दिस इज माई जीनियस राकेश सर। सर, सर शी इज मीता। हेलो सर। हेलो मीता। सर ये हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहती है और आगे की पढ़ाई यहीं कंप्लीट करना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है मीता, वेलकम। क्यों ना तुम क्लासेस आज से ज्वाइन कर लो, बाकी फॉर्मेलिटीज हम लोग कल कर लेंगे। सी यू इन द क्लास। हेलो मैडम, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कम ऑन, अब ये मत बोलना कि हमारे राकेश सर ना अजीब से लग रहे थे। थोड़ी देर बाद बोलोगे कि तुम भी अजीब से लग रहे हो। हाँ कमाल है। अरे लेट्स गो, क्लास के लिए लेट हो रहा है, कम ऑन। देखा कितना सुंदर कॉलेज है, और तुम कह रहे थे कि पुरानी बिल्डिंग है, कम ऑन, है ना मस्त। सो दिस इज द लाइब्रेरी एंड दिस साइड विल गो अप। एक मिनट, मैं लिफ्ट बुला लेता हूं। इट्स बिट स्लो बट यू नो,
ओके थर्ड। यार ये लिफ्ट भी ना कभी कभी बहुत परेशान करती है। क्लास शुरू होने वाली है and I hate late comers. Move. Yes, sir. Come. Please take your seat. Yes, yes, sir. You too. Vita, come. ये क्लासरूम है या कोर्टरूम? सब लोग कैसे मूर्तियों की तरह बैठे हुए हैं? इतने स्ट्रिक्ट है क्या राकेश सर? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मीता, कमें। आज हमारी क्लास में नई एडमिशन हुई है। मीता, मीता, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi everyone, I'm Meeta. Nice to meet you all. Go take a seat. आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, आपने ये बुक्स निकाली है? ओह नो यार, मीता एक प्रॉब्लम है। क्या? मैं तो अपनी बुक ही नहीं लाया हूँ, अब क्या करें? एक काम करो ना, उनके पास दो दो बुक्स हैं, एक मांग लो ना प्लीज। ओके। एक्सक्यूज मी, कैन आई बोरो योर बुक प्लीज? एक्चुअली मेरा पार्टनर भूल गया है, आपके पास तो दो है तो एक, इफ यू डोंट माइंड। ओके थैंक यू। हाथ मत लगाना मेरी किताब को। भूल जाता हूँ समटाइम्स। कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में, तब तक आप लोग ब्रेक लीजिए। अमन एक मिनट मीता, एक मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है, आई जस्ट कम। हेलो की तबीयत खराब हो गई है, इसे घर लेके जाओ। मीता, मीता मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ओके, ओके। मेरा यकीन करो, मैंने देखा उसे। मीता वहाँ कोई नहीं, पर मैं इसे घर ले जाता हूँ। मीता, मीता, कम, कम विद मी। कोई नहीं वहाँ पर। रिलैक्स, रिलैक्स।
अरे अमन क्या हुआ? मीता आ जाओ। कुछ नहीं मम्मा, कॉलेज में उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए यहाँ ले आया। ओ अच्छा अच्छा, चलो अंदर लेके जाओ उसको। कम 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 ऑन, रिलैक्स, बैठ जाओ आराम से। क्या हुआ बेटा? अमन मैं बीमार नहीं हूँ, मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ बेटा, क्या देखा तुमने? आंटी वो शायद आप मेरा यकीन नहीं करेंगी पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो देखा है। क्या देखा है अमन, क्या हुआ है बेटा? माँ कुछ नहीं, जब से कहे जा रही है कि किसी डरावनी चीज को देखा है। कम ऑन, डरावनी चीज? मुझे लगता है इसने किसी प्यून यून को देख लिया है अंधेरे में। हाँ तब से घबराई हुई है। वैसे एक बात बोलूं, हमारे जो राकेश सर है ना, वो भी किसी हॉरर फिल्म के कैरेक्टर से कम नहीं है, उन्हें ही देख लिया होगा इसने। मन तुम्हें मजाक सोच रहा है। अच्छा तुम दोनों लड़ो नहीं, बेटा तुम चाहो तो आज रात को यही रुक सकती हो, मैं खाना लगाती हूं। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके। अरे व्हाट? नहीं नहीं मामा, ये यहीं रुक रही हो? ओके आप खाना लगाइए, हम आते हैं। इट्स माय प्लेस, कम ऑन रिलैक्स, इट्स माय प्लेस, आराम से। क्या जरूरत है आंटी से इतनी मेहनत करवाने की? मेहनत कैसी है, कमाल करती है मैडम। आप ठहरी हमारी मेहमान, अब इतनी मेहमान नवाजी तो बनती है ना आपके लिए। हाँ क्या, और क्या पता माँ के हाथ का खाना इतना अच्छा लगे कि बार बार आने लगो। ये माँ के हाथ के पकौड़ों की खुशबू ना, आई आई टेल यू मीता, एक बार माँ के हाथ के पकोड़े खाओगी ना किसी के हाथ के पसंद नहीं आएंगे। ये कौन है? ये तो मेरे पापा हैं। आई थिंक किसी हिल स्टेशन गए हैं किसी बिजनेस के काम से। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है मतलब मेरे पापा हैं। अमन मैंने इन्हीं को कॉलेज में देखा है। हा? ये अजीब से लग रहे थे, इनकी आंखों से खून निकल रहा था, इनकी स्किन व्हाइट थी। क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये मेरे पापा हैं, मुझे पता है ना, ये किसी हिल स्टेशन पर गए हैं कुछ काम से। अमन आई स्वेयर मैंने इन्हीं को कॉलेज में देखा है, ये अजीब से लग रहे थे। क्या? अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे सामने उनको फोन लगाता हूँ, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके हैप्पी पापा। मीता आई थिंक सो कोई लो नेटवर्क एरिया में होंगे इसलिए फोन नहीं लग रहा। प्लीज मेरा विश्वास करो, मैंने इन्हीं को देखा है कॉलेज में, मैं सच कह रही हूँ। पापा पापा कैसे कॉलेज? ठीक है अगर तुम कह रही हो तो एक काम करते हैं, कॉलेज चलते हैं वापस, चल कर देखते हैं। ओके चलें, चलो। आइए मैडम देखिए, खामखा मुझे यहाँ ले आई, कुछ भी तो नहीं है। अमन मुझे बहुत डर लग रहा है। मीता डरने वाली क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बताओ कहाँ देखा था तुमने पापा को? अमन जब मैं यहाँ हैंड वॉश करने आई थी ना, तब मैंने उन्हें वहां पे देखा था। वहां? आर यू श्योर? कम पापा, पापा आप हैं वहां पर? अमन पापा आप हैं वहां पे? पापा अरे इट्स ओके, कुछ नहीं बस कोई पंछी था। अमन प्लीज चलो यहां से, प्लीज कोई बात नहीं, कम चलो कम। पापा पापा मैं अमन, पापा अगर आप वहां पर हैं तो सामने आ जाइए प्लीज। अमन प्लीज अंदर मत जाओ प्लीज। मीता एक मिनट देखने तो दो। देखा मैंने कहा था ना कोई भी नहीं है यहां पर, खामखा तुम मुझे यहां पर लेकर आई। मीता मेरी बात मानो, तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। अमन प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूं, मैंने पापा को देखा था, मैंने उन्हें यहां पे ही देखा था। यहां पर? Are you sure? हाँ, चलो पापा पापा। सर आप? तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो, अभी तक घर नहीं गए?
सर वो एक्चुअली मीता कह रही थी कि चलो अच्छा घर नहीं गए, आओ मेरे साथ क्लास में। देखा सर हैं, कम मैं आया, कम इन सर प्लीज कम इन, टेक अ सीट्स। मीता अमन जी सर, तुम यहां बाद में आए हो इससे फिर से बता रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स को कल सुबह एक असाइनमेंट सबमिट करना है जिसके लिए तुम्हें 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। 25? वाओ। डिटेल्स के लिए तुम क्लासमेट से हेल्प ले सकते हो। ओके सर। फिक्र मत करो, तुम यहाँ हॉस्टल में रुके अपना काम पूरा कर सकते हो, बाकी के सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही कर रहे हैं। तुम दोनों का यहाँ रुकने का बंदोबस्त अच्छी तरह से कर दिया गया है, कल सुबह 9:00 मुझे असाइनमेंट चाहिए। सर कल सुबह? आई मीन हाउ इज दैट पॉसिबल? गुड लक। कल सुबह? आई मीन हाउ कैन वी डू? एक दिन में? मुझे बहुत गुस्सा आता है अगर कोई मेरी किताबों को हाथ लगाए तो। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी मैं। होती है यार, किताब ना हुई कोई कोहिनूर का हीरा हो गई। हाँ मेरी किताब ही मेरे लिए कोहिनूर है। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो बस। खोलो, कोई है? भागो, अमन को लेकर जाओ यहां से, तुम्हारी जान खतरे में है, जल्दी जाओ यहां से, भागो भागो। कहाँ जा रही हो? कोर्स तो अभी बाकी है। वो एक भूत है। मैं भी तो भूत हूं, हम सब भूत हैं। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखना, समझे? जाने दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। मीता,
मीता तुम अमन, क्या कर रही हो? अमन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बोलो। ये लोग ये लोग कुछ और कौन है? लोग जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है ये। कौन मीता कौन? कौन कौन अलग है मीता? इतनी देर तक कॉरिडोर में घूमना अच्छी बात नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने रूम्स में जाओ। ओके सर, जाते हैं सर। अमन मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मुझे बात करनी है। सुनो सर, डांट देंगे। सर ने कहा ना, सुनो मेरी बात। देखो वैसे ही मुझे बहुत प्रोजेक्ट्स करने हैं रात भर में। हम कल सवेरे बात करते हैं सर। ओके गुड नाइट सर। अमन अमन मीता चलें, नहीं तो राकेश सर गुस्सा हो जाएंगे। गुड नाइट मीता। सेक्शन तो पूरा सर के ऊपर जा रहा है, क्या करूं? अरे नितिन सुनना, यार ये जो फाइब्रिनोजन के कन्वर्जन का फंडा है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझा देना प्लीज। नितिन तुझसे बात कर रहा हूं, हेलो यार, इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं बताना। अरे अरे भाव क्यों खा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुझे। मुझे नहीं पता। अच्छा तुझे नहीं पता? हाँ परंतु क्लास में टॉपर आता है, तुझे नहीं पता? चिंता मत कर, तू ही टॉपर रहेगा। हाँ मैं तेरी जगह नहीं लेने वाला। बताना यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं बता सकता तू मुझे? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अबे तो भड़क क्यों रहा है, तुझसे कौन से लाखों रुपए मांग लिए, एक क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूं। ये लोग कुछ और है। कौन लोग? हम समझ रहे हैं वो नहीं है ये। हाँ
सर 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 वो नितिन सर, सर वो उसकी मुंडी। जानता हूं वो भी और मैं भी। अब भाग के कहां जाओगे? पापा पापा आप यहाँ पे पापा 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 आप यहाँ पे पापा हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आप कहाँ थे पापा? पापा 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 इसका मतलब मीता सच कह रही थी। आप मर चुके हैं। हाँ बेटा मैं मर चुका हूँ। पर कैसे पापा? आप कैसे मर सकते हैं? आप कैसे छोड़ सकते हैं मुझे अकेला? तुम्हारे राकेश सर ने मुझे मारा है। क्या 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 कह रहे पापा आप? पापा वो आपको क्यों मारेंगे पापा? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है बेटा। तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। नहीं पापा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पापा मैं यहीं मर जाऊंगा लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन तुम अब भी बच सकते हो। नहीं बेटा मुझे लग रहा है कि वो आ रहा है। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पापा पापा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नहीं बेटा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम यहाँ से जाओ बेटा। तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। तुम्हें मेरी कसम पापा प्लीज तुम जाओ यहाँ से बेटा। कसम मत दो पापा प्लीज प्लीज बेटा निकल जाओ। जाओ बेटा जल्दी निकलो। भागो भागो यहाँ से। अपने बेटे को बचाने आए हो मिस्टर गगन लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसे तुम मरे थे ना वैसे ही तुम्हारा बेटा भी मरेगा। कहने को तो अपने आप को टीचर कहते हो यही शिक्षा देते हो स्टूडेंट्स को? क्या मतलब? बाप का बदला बेटे से ये कहां का इंसाफ है? आपकी क्लासेस में मॉरल साइंस के भी कुछ चैप्टर ऐड कर देने चाहिए थे। तुम इंसाफ की बात कर रहे हो? तुम कहां थी तुम्हारी अंतरात्मा जब तुमने मेरे साथ सर। इसने अपने बेटे को भगा दिया। तो ये तुम्हारी चाल थी? कुछ चीजें मरने के बाद भी नहीं बदलती। Ha 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 ha
जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन तुम आज नहीं बचोगे। जितना हम तड़पे थे उतने ही तुम भी तड़पोगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज अपने बाप से पूछो। नो मिस्टर गगन, मैं ये कॉलेज कभी नहीं बेचूंगा। आप यह कॉलेज नहीं, कॉलेज के नाम पे बिजनेस खोलना चाहते हैं और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना भी आइडियलिस्टिक मत बनो प्रोफेसर, चाहो तो प्रॉफिट में से भी एक शेयर दे देंगे। मिस्टर गगन, दुनिया में हर इंसान बिकाऊ नहीं होता है। बेहतर होगा आप यहां से चले जाए। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो कहते हैं ना, जिसका अंतिम समय आता है उससे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अमन, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे घर जाने दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज। Thank you so much. It's okay, welcome. आप भाग क्यों रही थी? Are you okay? Please मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। Please मेरी मदद कीजिए। Okay okay, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये आपके राकेश सर, ये मर चुके थे, तो आपके असाइनमेंट का क्या होगा? असाइनमेंट? वही जो राकेश सर ने आपको कल सुबह सबमिट करने को कहा है। आपको उस असाइनमेंट के बारे में कैसे पता? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया था। अभी खत्म नहीं हुआ है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने तो कुछ नहीं किया है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। प्लीज जाने दीजिए। उस डेमोलिशन में सिर्फ यही नहीं, मैं भी मारी गई थी। उस वक्त मैं गाड़ी में थी, इसलिए मैं अब भी वहीं रहती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर किसी इंसान को जिंदा दफन किया जाए तो उसकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? सर, उसका दम घुटने लगता है और घबराहट के कारण उसकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। क्वालिटी किसी को चाहिए ही नहीं, सबको चाहिए बस ब्रांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो,
हमारी संस्था जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलेगी। मेरी इन क्लासेस को कोई भी बंद नहीं कर सकता है, कोई भी। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर, हम यहां पहली बार आ रहे हैं, क्या हम आपकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज? ऑफ कोर्स यू कैन, कम इन। थैंक यू सर। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।